हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसेल ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ थ्री और प्राइम्स 21 एंड 31। आपको 21 को थ्री नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइम नंबर होने चाहिए हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो तीनों नंबर हो आपके पास वो प्राइम नंबर हो। 21 को हमने रिप्रेजेंट किया 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 7 10 एंड 10 प्लस 11 20। अब देखिए 3, 7 एंड 11 प्राइम नंबर है हमारे पास, और सम में रिप्रेजेंट करना है। 3 और प्राइम्स होने चाहिए हमारे पास। 3, 7 एंड 11 और प्राइम नंबर है हमारे पास, इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20। ऐसे हमारे पास बी पार्ट का सॉल्यूशन है। 31 को आपको रिप्रेजेंट करना है 3 और प्राइम्स के अंदर। तो फर्स्ट नंबर 3 प्लस 11 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 17। अब देखिए इनका जो सम करेंगे, ये 3 प्राइम नंबर हमारे पास ओड है, 3 11 17 ओड प्राइम नंबर है। 3 प्लस 11 14, 14 प्लस 17 31। प्राइम नंबर हमने पहले भी डिस्कस किए थे, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट्सेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हूज सम इज डिविजिबल बाय 5। हमको ऐसे 5 पेयर्स बनाने हैं प्राइम नंबर्स के जो 20 से लेस देन हो और जिनका सम करने पर वो 5 से डिविजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेयर हमारा हो गया 3 प्राइम नंबर है एंड 2 प्राइम नंबर है। 3 प्लस 2 किया तो हमने हमारे पास क्या है 5, और 5 डिविजिबल है 5 से। नेक्स्ट पेयर हमने बनाया 5 प्लस 5 5 प्लस 5। अब देखिए 5 भी प्राइम नंबर है हमारे पास, तो दोनों को प्लस किया तो 10 आएगा, और 10 ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 20 से लेस देन होने चाहिए हमारे पास प्राइम नंबर, जो कॉम्बिनेशन लेंगे वो 20 से लेस देन होने चाहिए, और सम करने पर वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 13। देखिए 2 प्लस 13 कितना होता है 15 होता है, 15 में भी 5 का डिवाइड जा सकता है। ऐसे ही आप 17 प्लस 3, 17 प्राइम नंबर है एंड 3 प्राइम नंबर है, दोनों को प्लस करेंगे तो 20 आएगा। 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 13 प्लस 7 हमारे पास 20 हो गया, एंड 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ऐसे ही हमें बस खाली 5 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 5 पेयर, या तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, दैट इज आंसर। और भी आप और एग्जांपल्स भी आप सोच सकते हो, इनके अलावा भी हो सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? टू नंबर्स हैविंग वन कॉमन फैक्टर। टू नंबर्स हमारे पास, उसमें बस खाली आपके पास कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? वन कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल टू नंबर हमारे पास 3 एंड 5। अब देखिए 3 एंड 5 में 3 को हम 3 × 1 राइट कर सकते हैं, एंड 5 को 5 × 1 राइट कर सकते हैं। We know that every number is multiplied by 1 and divisible by 1. सारे नंबर 1 से divisible होते हैं और 1 से ही multiplicative होते हैं। तो 3 को हम write कर सकते हैं 3 × 1, and 5 को हम write कर सकते हैं 5 × 1. Here 1 is common. 1 is common number. Both is number. 1 हमारे पास common number है। तो ऐसे दो नंबर जिसमें 1 कॉमन नंबर हो,
वन क्या हो कॉमन नंबर, इट्स कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। और भी एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं, 5 and 7। अब देखिए 5 and 7 में 5 को हम राइट कर सकते हैं 5 into 1, एंड 7 को राइट कर सकते हैं 7 into 1। तो इसमें भी 1 क्या है कॉमन, दोनों नंबरों में 1 क्या है कॉमन, कॉमन नंबर इज 1। सो 5 and 7 इज कॉल्ड कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। ऐसे आप डिफरेंट एग्जांपल्स और ले सकते हो जो कोप्राइम के आपके पास एग्जांपल हो, जिसमें ओनली 1 ही कॉमन नंबर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स, या फिर टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, इसमें हम टेस्ट डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, 2 से डिविजिबल रूल, 3 से, 4 से, 5 से, एंड सो ऑन। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखिए जो गिवन नंबर है हमारे पास, इन गिवन नंबर गिवन नंबर में इफ वन प्लस डिजिट, इट मीन्स लास्ट डिजिट, वन प्लस डिजिट जिसको हम लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, इज वन प्लस डिजिट और लास्ट डिजिट इज या तो आपके पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, या फिर 8 हो, तो वो क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 6, 2, 0। अब देखिए जो गिवन नंबर है हमारे पास 1, 5, 6, 2, 0, इसमें लास्ट 1 प्लस डिजिट कौन सी है 0, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट कोई भी एग्जाम्पल और डिस्कस कर सकते हैं हम, 3, 4, 6, 5, 5, 2, लास्ट में क्या है 2 है, तो 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में, अगर ये गिवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 है तो नंबर्स क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे। और भी एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं हम, 5, 0, 3, 2, 6 लास्ट में हमारे पास को क्या है यहाँ पर 6। और भी एग्जांपल ले सकते हैं 7, 8, 9, 1, 0, 3, 4 लास्ट में हमारे पास ये नंबर क्या है 4, सो ये भी हमारे पास 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास नंबर सेकंड आता है डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से डिविजिबल। डिविजिबिलिटी का क्या रोल होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 45 गिवन नंबर का अगर सम करने पर, देखो जो गिवन नंबर है हमारे पास 45, उसमें डिजिट का सम करने पर, इसमें डिजिट का हम सम करेंगे 4 + 5 कितना है 9, अगर डिजिट का सम करने पर वो जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 45 में 4 + 9 की हमने 9, सॉरी 4 + 5 किया तो 9 आया, 9 में 3 और 9 3 से डिविजिबल है, so that 45 is also divisible by 3। और भी example आप discuss कर सकते हो, 183 next example हमने लिया 183। अब देखिए जो given number है हमारे पास 183, इसमें given digit का हम sum करेंगे 1 + 8 + 3, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 3 से divisible है, so that 183 is also divisible by 3। और भी आप different type के example ले सकते हो, 213। अब देखिए 213 में जो digit है हमारे पास 2 + 1 + 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6,
6 is also divisible by 3, so that 213 is divisible by 3.